हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। तो गाइस, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे यो म्यूजिक प्लेयर ऐप को डेवलप करना। तो मैंने पहले से ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है, अगर आप देखें string.xml फाइल में, यो म्यूजिक प्लेयर ऐप। तो आप कुछ भी नेम दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। और मैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा हूँ बाय यूजिंग कॉटलिन, तो इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है बाय यूजिंग कॉटलिन एज अ बेस लैंग्वेज। और मैंने एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर हमारे को दो फाइल्स मिलती हैं, एक तो होती है हमारी लेआउट और एक होती है हमारी मेन एक्टिविटी, जो कि ऑलमोस्ट वेरी सिंपल प्रोसेस है कि कैसे आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो अगर आपको नहीं पता तो उसका वीडियो आप देख सकते हो। तो गाइस, अब इस वीडियो में हम सबसे पहले डिजाइन करेंगे हमारी कंट्रोल्स को, जो कि हमने, अगर आपने Adobe XD वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें सबसे पहले मैंने कंट्रोल स्क्रीन बनाई थी। तो सिंगल स्क्रीन एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम एक अलग से लेआउट क्रिएट करेंगे, सभी लेआउट्स को हम अपने एक्टिविटी main.xml में कंबाइन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्लिक करता हूँ मैं राइट क्लिक, देन न्यू पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एक लेआउट क्रिएट करता हूँ जो कि होगी लेआउट रिसोर्स फाइल, और उसे मैं नेम दे देता हूँ लाइक कंट्रोल्स, या फिर आप कुछ और भी नेम कंटेंट भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल्स नेम दे देता हूँ एंड देन हिट करता हूँ ओके। देन कई संभव हमारे को कुछ डिपेंडेंसीज पेस्ट करनी है, जैसे कि कार्ड व्यू, मटेरियल डिजाइन और लीगेसी सपोर्ट। रिसाइक्लर व्यू भी हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं रिसाइक्लर व्यू को भी इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो इनको मैं कॉपी करता हूँ चारों डिपेंडेंसीज को और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ हमारे build.gradle फाइल के अंदर, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी ब्लैंक हो गया तो दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी हुआ नहीं। देन वापस आते हैं और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देते हैं। देन मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तभी आपका प्रोजेक्ट सिंक होगा प्रॉपरली। तो मैं इसे यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। और आप इंडिपेंडेंसी को नेट पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप पॉज करके टाइप भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो आप पॉज करके इंडिपेंडेंसी को टाइप कर सकते हैं या फिर आप एक ऐसे एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं जिसमें आप इनको सेव कर लो, ताकि आपको बार बार इंटरनेट पे इन्हें एक्सप्लोर ना करना पड़े। एंड फाइनली आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अब यहाँ पे सिंक हो चुका है प्रॉपरली। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस आते हैं control.xml। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो कि है शो लेआउट डेकोरेशन, ताकि मुझे लेआउट डेकोरेशन भी दिख जाए। एंड यहाँ पे मैं जो थोड़ी सी कलरिंग है, तो कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो जाते हैं colors.xml पे, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लू कलर यूज करेंगे, लाइट ब्लू, एंड यहाँ से भी ब्लू पे। और जो कलर एक्सटेंट कलर है वो हम इसको यूज करेंगे, जो कि एक हम यूज करेंगे हमारे कंट्रोल्स के लिए। देन वापस आते हैं हमारे control.xml में, देन string.xml को बंद कर देते हैं, मेन एक्टिविटी भी और एक्टिविटी main.xml और colors.xml। तो ये हमारे को जो चाहिए, जो कलर हमें मिल गया है जैसा कि हम चाहते हैं। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो control.xml सबसे पहले मेरे को जो रूट लेआउट है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कोड व्यू में आ गया हूँ xml के, एंड यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ कार्ड व्यू। अगर आप देखें तो कार्ड व्यू पॉपअप नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पे अगर हम पूरा कार्ड व्यू टाइप करें तो आप देख सकते हो कैलेंडर भी आ रहा है बट कार्ड भी नहीं आ रहा। सो एक मेक श्योर एक बार हम फिर से प्रोजेक्ट को बिल्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रीबिल्ड पे करते हैं क्लिक, सो दैट कि हमारा जो प्रोजेक्ट है दोबारा से रीबिल्ड होए। तो कभी कभार डिपेंडेंसीज प्रॉब्लम देती है, प्रॉपरली सिंक नहीं होती। कार्ड व्यू हमने ऐड कर दिया है बट स्टिल ये हमारे को कार्ड व्यू प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है। तो रीबिल्ड मैंने दोबारा से किया प्रोजेक्ट को, सो दैट कि जो डिपेंडेंसीज हम न्यूली ऐड करी हैं वो प्रॉपरली से वर्क कर सके हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो दोबारा से मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो, क्योंकि अब आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड रनिंग है तो थोड़ा टाइम लेगा ये। गाइस, रीबिल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, एंड देन अब दोबारा से देखते हैं टाइप करके यहाँ पे कार्ड व्यू। तो टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारे लीनियर लेआउट को और यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करते हैं कार्ड व्यू। तो यहाँ पे अभी भी पॉपअप नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सी रखूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम वापस अंडू करते हैं। तो मेरे पास इसके लिए दूसरा तरीका है, तो ये पॉपअप ऐसे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कार्ड व्यू, एंड ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कार्ड व्यू आ गया। तो इसे हम ड्रैग करते हैं लीनियर लेआउट के अंदर, एंड देन यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे ला के इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे को रूट लेआउट मिल गया हमारा कार्ड व्यू। देन आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे कार्ड व्यू स्पेसिफाई कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लीनियर लेआउट को स्पेसिफाई करूंगा, जो कि होगी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं एक पर्टिकुलर कार्ड व्यू को डिस्प्ले कराऊंगा। तो फिर से मैं कार्ड व्यू यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो कैपिटल है तो कार्ड व्यू लिखते हैं यहाँ पे, कैप्स लॉक कौन था इसलिए कार्ड व्यू सर्च नहीं हो रहा है। तो आ गया हमारा कार्ड व्यू, देन इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी हाइट को भी चेंज कर दिया रैप कंटेंट, एंड देन यहाँ पे हमारा आ चुका है लीनियर लेआउट। प्रीव्यू ओपन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हमारे ये डिस्प्ले हो नहीं रहा क्योंकि हमने इसकी हाइट एंड विड्थ सेट नहीं कर रखी। तो लीनियर लेआउट है, इसकी भी मैं हाइट को ऑलमोस्ट अराउंड रैप कंटेंट कर देता हूँ। एंड जो यहाँ पे जो कार्ड व्यू है इसके अंदर अब हमारे को एक इमेज को प्लेस करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेल्फ क्लोज से बंद करता हूँ, मैं सेल्फ क्लोज नहीं करना चाहता, इसे एक प्रॉपरली टैग के साथ इसे क्लोज करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली क्लोज हो गया हमारा कार्ड व्यू। और इस कार्ड व्यू के अंदर अब हम एक इमेज को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ से एक इमेज व्यू सेलेक्ट करते हैं, कार्ड व्यू के अंदर ड्रैग करते हैं, और यहाँ से जो हमारी
हेडफोन्स की इमेज थी, तो यहाँ पे मैंने एसेट्स अभी पेस्ट नहीं करे हैं, तो वापस से क्रॉस करता हूँ, इमेज भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एसेट्स को पेस्ट करूँ, तो मैंने पहले से ही एसेट्स डाउनलोड कर रखे हैं, तो उन्हें मैं कॉपी करता हूँ और वापस से लेके आता हूँ। तो ये एसेट्स अगर आपने Adobe XD का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने डिजाइन किए थे, बट इंटरनेट से मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। सो मेक श्योर आप इसे ड्रॉबैक डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करें, क्लिक करें ओके। सो ये हमारे एसेट्स सारे आ चुके हैं। देन यहाँ पे हमारे को जो यूज करना है वो करना है म्यूजिक आइकन। तो फिर से मैं इमेज व्यू को ड्रैग करता हूँ कार्ड व्यू के अंदर एंड यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और ये रहा हमारा म्यूजिक आइकन जो कि हेडफोन आइकन है। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो काफी बड़ा है तो हमें इसकी हाइट एंड विड्थ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ी ये चीज़ है हमारी इमेज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हाइट देता हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 100 dpi एंड देन यहाँ पे जो उसकी हाइट है उसे भी कर देता हूँ 100 dpi। सो दैट्स यू ग्रेट, तो ये अच्छा दिख रहा है। एंड अब इसको जूम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये कार्ड भी है जो कि, ये तो इसकी भी जो हाइट है उसे हमें रैप कंटेंट करना पड़ेगा, मीन्स जो हाइट है वो रैप कंटेंट। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है रैप कंटेंट, कार्ड व्यू कर दिया हमने, जो कि इमेज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो लीनियर लेआउट है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले कराना है, मीन्स हमारे को कंट्रोल डिस्प्ले कराने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले कराएंगे। तो जाते हैं हमारे डिजाइन टैब में वापस से, एंड यहाँ पे सारी की सारी जो ओरिएंटेशन होने वाली है वो वर्टिकल होने वाली है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट को ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ जो पार्ट है लीनियर लेआउट का, क्योंकि कार्ड भी तो रैप कंटेंट हो चुका है, अब ये जो लीनियर लेआउट है ये कुछ इस तरीके का है, तो इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट को ड्रैग करूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम लेआउट जो कि कंस्ट्रेंट है उसको ड्रैग करते हैं इन साइड द लीनियर लेआउट। तो ये आ चुका है हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट। अब इसके अंदर मैं सारी की सारी चीजें ड्रैग करूंगा, जैसे कि हमारा होगा टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं एक टेक्स्ट व्यू को ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है टेक्स्ट व्यू। तो कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं इसका, और यहाँ से भी एंड टॉप से भी, देन यहाँ से 0 देन यहाँ से भी 0। इसको अब जूम करते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद हमारे को नेक्स्ट एलिमेंट ड्रैग करना है वो होगा सीक बार। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं सीक बार। तो आ चुका है सीक बार। तो सीक बार डिस्क्रीट सीक सर्च व्यू है, तो सीक बार हमें चाहिए। तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर इसे भी ड्रैग करते हैं, तो आ चुका है हमारा सीक बार। कंस्ट्रेंट सेट करते हैं इसके भी, इनके अभी हमें कोडिंग भी चेंज करनी है, तो कोड व्यू को भी हम चेंज करेंगे 0 एंड देन यहाँ से भी 0। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया एंड इसको हम इसको सेंटर में लाते हैं। तो कनेक्शन इसका पर्टिकुलर यहाँ टेक्स्ट व्यू के साथ हो गया, तो ये कंस्ट्रेंट हमें रिमूव करना है। देन ड्रैग करते हैं टॉप पे लाते हैं और देन यहाँ से इसका कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। तो आ चुका हमारा सीक बार भी। नेक्स्ट गाइस, अब हमारे को कुछ इमेज बटन्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 3 इमेज बटन हमें चाहिए, एक प्ले बटन जो कि प्ले पॉज, उसके अंदर हम स्विच करते रहेंगे ड्रॉइवर को, देन प्रीवियस देन नेक्स्ट। तो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे बटन्स एंड यहाँ से इमेज बटन को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं एंड प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें हमारा बटन तो वो था आईसी प्ले, तो प्ले को मैं यूज करूंगा एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है बटन। लाते हैं सेंटर में और यहाँ पे ड्रैग करते हैं और कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। और अभी मैं सारे बटन्स पहले प्लेस कर देता हूँ, देन मैं इसके लेफ्ट राइट कंस्ट्रेंट को सेट करूंगा। इनके साथ साथ मैं इनकी आईडीज को भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, सो दैट कि जब हम इनको बाद में जब कोड को रीचेंज करें तो ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो जूम करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट भी जो हमारा है इसकी आईडी को हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे जो इसकी आईडी मैं दे देता हूँ लाइक सॉन्ग टाइटल। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ सॉन्ग टाइटल। तो ये जो इसकी आईडी रहेगी सॉन्ग टाइटल रहेगी। देन इसके बाद जो हमारा सीक बार है इसका सीक बार ही रहने देते हैं आईडी को डिफॉल्ट आईडी। देन दिस इमेज बटन की आईडी मैं रख देता हूँ लाइक इमेज बटन प्ले एंड पॉज। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन, तो बटन प्ले, मेक श्योर की प्रॉपरली मैं टाइप करूँ प्ले एंड पॉज। ये हो गया हमारा इमेज बटन प्ले एंड पॉज। तो अभी कंस्ट्रेंट सेट नहीं, दैट इज द रीजन की एरर प्रोवाइड कर रहा है, बट डोंट वरी हम कंस्ट्रेंट सेट करेंगे। एक और इमेज बटन को ड्रैग करता हूँ डिजाइन टाइप में आके, देन यहाँ से फिर से मेरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं आईसी प्रीवियस सिलेक्ट करता हूँ और हिट करता हूँ ओके। देन ये आ चुका हमारा आईसी एंड इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, मेक श्योर आप यहाँ पे, तो ये प्रॉपरली सेंटर आ चुका है इसी के ही। तो अभी इसे रहने देते हैं कंस्ट्रेंट को सेट करना। तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रेंट सेट कर देता हूँ जो कि होगा लेफ्ट कंस्ट्रेंट एंड बॉटम कंस्ट्रेंट भी सेट कर देते हैं, टॉप कंस्ट्रेंट भी। तो इसका अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और राइट कंस्ट्रेंट सेट करते हैं, मीन्स जो इसका लेफ्ट है। तो ये नाउ प्रॉपरली कंस्ट्रेंट सेट हो चुके हैं, तो ये वाला कंस्ट्रेंट रहने देते हैं, इसको हम बाद में सेट कर देंगे। देन वापस आते हैं टेक्स्ट टैब में और इसकी आईडी को भी स्पेसिफाई करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं देन दिस इज गोइंग टू बी लाइक बटन प्रीवियस, ये रही हमारी आईडी। तो इसे मैं आईडी देता हूँ बटन प्रीवियस, तो हमारा आगे बटन प्रीवियस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इमेज बटन 2, तो यहाँ पे अब इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। एडिट रीजन के साथ साथ हम आईडी स्पेसिफाई करते हैं, वापस से कंस्ट्रेंट सेट हो गया। वापस आते हैं डिजाइन टैब में एंड देन एक और हम इमेज बटन सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं हायरार्की के अंदर। तो अभी आप देखें तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हायरार्की हमारी छोटी है विंडो। एंड यहाँ आ चुका एक और बटन एंड यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आईसी स्किप नेक्स्ट।
जो कि नेक्स्ट करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ से लाके इसको यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं, ये भी प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है। देन इसका भी टॉप कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं, बॉटम कंस्ट्रेंट, देन राइट कंस्ट्रेंट, एंड देन इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसका यहाँ से ये कंस्ट्रेंट भी सेट कर देते हैं, और नाउ बॉटम कंस्ट्रेंट भी सेट कर देते हैं। सारे कंस्ट्रेंट सेट हो चुके हैं। देन इसके बाद इस पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट मोड में जाते हैं और यहाँ पे इसकी जो आईडी है उसको हम चेंज कर देते हैं, बटन नेक्स्ट। तो गाइस अब हमने यहाँ पे सभी हमारा जो पहला जो कंट्रोलर सिस्टम है वो हमने बना दिया है। देन यहाँ पे जो रहेगा हमारा सॉन्ग टाइटल रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉन्ग टाइटल, ये हमें डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये अच्छा कोड व्यू के थ्रू ही डिस्प्ले कराएंगे। ये आ गया हमारा सॉन्ग टाइटल। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो हमारा पर्टिकुलर जो कि ये है हमारा कार्ड व्यू, इसके अंदर मैं पैडिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पैडिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज कार्ड व्यू की पॉपअप नहीं हो रही है, तो कार्ड व्यू काफी प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही है इमेज व्यू के अंदर भी, तो काफी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा कार्ड व्यू प्रोवाइड कर रहा है, आई डोंट नो कि व्हाई। तो मैं पैडिंग देता हूँ लाइक 10 dpi, तो 20 dpi मैं दे देता हूँ। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से कॉपी करके करने के बजाय, और यहाँ पे हमारा जो कार्ड व्यू है इसके अंदर मैं पैडिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ। एंड कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो लीनियर लेआउट को भी, तो लीनियर लेआउट देखे तो ये पूरा लीनियर लेआउट है, तो कार्ड व्यू को हम एज इट इज ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हम पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंड इज गोइंग टू लाइक 20 dpi। पैडिंग स्पेसिफाई करने से ये हो रहा है। देन मार्जिन में स्पेसिफाई कर देता हूँ, सो मार्जिन यहाँ पे हमारे, तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में काफी प्रॉब्लम आ रही है इस वाले में, जैसे मैंने अपडेट किया है यहाँ पे मार्जिन अब नहीं आ रहे हैं इन केस ऑफ लीनियर लेआउट। यहाँ पे देखिए मार्जिन आता है, देन मार्जिन प्रॉपर्टी यहाँ पे पॉपअप हो रही है, तो कई जगह पे मार्जिन पॉपअप हो रहे तो कई जगह पे नहीं हो रहा। तो यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ प्रॉपर्टी को एंड यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ इनसाइड दी पैडिंग। सो ये हो चुका है एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्जिन आ रहा है, तो 10 dpi, तो 5 dpi रहने देते हैं, 5 dpi इज ग्रेट। एंड देन इसके बाद पैडिंग भी स्पेसिफाई कर देते हैं, तो मैं पूरा टाइप ही करता हूँ एंड्रॉइड टैग। तो काफी समय के बाद मेरे को अब तो टैग मेमोराइज ही हो रखे हैं, एंड्रॉइड एंड देन पैडिंग एंड देन यहाँ पे दे देते हैं 10 dpi। तो एमिट ऑटो प्लगइन जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर है वो काफी प्रॉब्लम दे रहा है। सो यहाँ पे आप देखें तो एरर आ रहा है, यहाँ पे इमेज बटन 3 है आईडी, तो यहाँ पे हमारे को इमेज बटन आईडी 3 की जगह है जो टेक्स्ट है वो चेंज करना पड़ेगा। सो बटन नेक्स्ट, सो कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। सो लेट्स डू ग्रेट। तो ये हो चुका है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, हम इनके अंदर थोड़ा और कोड स्पेसिफाई करके इनको थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू इंप्रूव ऑल ऑफ दिस थिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।